नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्वेता क्लासेस में। मुझे यूपी पुलिस होने वाली परीक्षा जो कि अभी आपकी अगस्त में है उस पर हिंदी की जो स्पेशल सीरीज़ है वो हम लोगों ने चलाई है, जिसमें हम लोग लास्ट 5 दिनों में कम से कम 100+ प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके राजवंश से संबंधित होंगे, जो आपकी नदियों से संबंधित होंगे, इस तरीके के जो मतलब जहाँ से आप अपने मार्क्स को ले सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं अच्छा, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप ये चीज़ तो जानते हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ना लगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ इतना ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। हम लोग आज की सीरीज़ में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आज के जो 20 प्रश्न हैं हमारे, ये झीलों से संबंधित हैं कि आपसे झील पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे उन सभी प्रश्नों से आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में 2 से 4 नंबर तो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए झील से प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, नदियों से प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप नज़रअंदाज ना ही करें तो बेहतर होगा। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लैगून झील नहीं है, आपको बताना है लैगून झील नहीं है। तो ये आपकी सांभर झील है, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस झील पर बनी हुई है, बुलर झील पर, कोलेरू, या फिर चिल्का, या फिर भीमताल? तो फिर ये आपकी बनी हुई है बुलर झील, ऑप्शन नंबर ए पे। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो आपकी बुलर झील है ये कहाँ पर स्थित है, और अगर कोलेरू झील की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चिल्का लेक आप सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत में विशालतम लैगून किस निम्न में से कौन सा है, विशालतम लैगून आपसे पूछा गया, तो ये कोलेरू लैगून ही है। और शालीमार और निषाद बाग किस झील के किनारे स्थित हैं, तो ये डल झील के किनारे स्थित हैं। पुलकित झील निम्न में से कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश? तो पुलकित आपकी तमिलनाडु में है। पुलकित क्या है, तो ये एक झील है, एक प्रकार की लैगून है, यहाँ पर हमने देखा पुलकित झील। पुलकित क्या है तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर खाली आपसे झील नहीं पूछा, यहाँ पर आपको क्रेटर, शुष्क और खारी झील दे दिया गया है, लैगून आपका है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि बुलर झील है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो यह आपकी उदयपुर डेवर झील है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो खारे पानी की जो झील है ये आपकी चिल्का लेक है, ऑप्शन नंबर ए जो है चिल्का झील, ये बिल्कुल सही है। बुलर झील भारत में से किस राज्य में स्थित है, तो हम सभी लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर में है। सात ताल झील कहाँ स्थित है, तो ये भी हम लोग जानते हैं, जो ताल से संबंधित कोई भी यदि आपसे झील और ये पूछा जाए तो 99% जो आपका आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा, ठीक है। ये एक तरीके की ट्रिक है और आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी इंदिरा सागर झील है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं कि ये बुलर झील है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये सांभर झील है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो हम सभी लोग जानते हैं ये राजस्थान में स्थित है। चुलामू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तरी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, उड़ीसा, या फिर कोई नहीं, तो ये उत्तरी सिक्किम में आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश पे, ये हम लोगों ने अपने पहले ही प्रश्न में देख लिया था, ठीक है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। अघार झील, अघार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह आपका होता है चेम्बर बक्कम झील से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है, तो जो आपको झील बतानी जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई है, तो ये आपकी लोनार है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी रहती है, तो ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो, ठीक है। और भी एक आध क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेंगे। लोकट झील, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके मणिपुर में स्थित है। हाँ, ये रहा आपके 21 क्वेश्चन झील से संबंधित है, जिसमें आपसे एक या दो क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएगा, और एक या दो क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ये आपके एक या दो नंबर कैरी करते हैं, ठीक है। चुलामू झील अभी अभी हम लोगों ने देखा था, उत्तरी सिक्किम में। सांभर कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, इतना कोई कठिन नहीं है। आगे की अगर आपको क्लास दिखा दें तो ये है
नदी, ठीक है, जिसमें आपको हर प्रकार के, जैसे भारत का सोक नदी किसे कहा जाता है, बिहार का, बंगाल का, असम का, उड़ीसा का, झारखंड, चीन, तेल नदी किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके 15 क्वेश्चंस हैं, तो अगली अभी थोड़ी ही देर में हम लोग इन 15 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे बाद में। ऑलराइट, इसके बाद आपको मैं एक क्लास और दूंगी जिसमें आपको विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित ट्रॉफियां हैं। यहाँ पर आपको जैसे खेल हॉकी है, तो अब हॉकी के संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ट्रॉफी का नाम दे दिया जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बेटन कप किस खेल से, तो बेटन नाम तो थोड़ा इंग्लिश वाला लग रहा है, तो हो सकता है कि भाई कोई इंग्लिश टाइप का ऐसा, मतलब आप लोग बिलियर्ड विलियर्ड समझ करके उस पर टिक कर दो, तो आपको ये चीज़ें भी याद में रखनी है कि कौन से खेल से कौन सी ट्रॉफी जो है वो रिलेट करती है। ऑलराइट, तो ये थे 21 क्वेश्चन, होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट ये अपनी नदी वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।